और ये भी दसना चाहवांगे हुण तां इह सितंबर महीना आनंद की शुरुआत होण जा रही है क्योंकि 21 तरीक तो दिन बुधवार तो प्रभात फेरियां आरंभ होण जा रही और प्रभात फेरियां सवेरे भी सत्संग हुंदा शाम नूं भी और फिर मालक का गुणगान भी गाया जाता है और ये प्रभात फेरियां जदों दरबार तो दूजे नगरों तक जांदियां है क्योंकि जिहड़े बेनती करके प्रभात फेरी की डेट लैंदे आ जदों सवेरे सवेरे प्रभात फेरी और संगत दियां ट्रालियां ट्रैक्टर गड्डियां उन्होंने नगर च पहुँचदियां है और वो नगर के जीव भी जो प्रभात फेरी शोभा यात्रा शामिल होंगे मालिक का गुणगान करते उत्थे सत्संग होंगे तो वह नज़ारा ही कुछ होर होंगे इसलिए असं चाहवे वो नज़ारे में तुम भी शामिल होवो प्रभात फेरिया का भी आनंद असी लैना 21 तरीक तो शुरू हो जा रही है और जो पहली तरीक तक चलनगियां पहली तरीक सवेरे ही प्रभात फेरी होगी और दोपहर में रथ यात्रा शोभा यात्रा भी होएगी वह भी अपने आनंद होंगे है और जिदा दस्या 21 तरीक तो सवेरे शाम दो टाइम सत्संग प्रभात फेरिया जो शब्द गुणगान और अपने मालक दे इश्क विच उन्होंने जन्मदिन की खुशी विच फिर जिदा बुल्ले शाह ने नच के यार मनाया से भंगड़े भी पाए जाते हैं फिर खुशियां नाल और फिर पहली तरीक शोभा यात्रा भी है और तुहानू सारे नू पता ही है कि बड़े मालकां दे जन्मदिन की खुशी विच फिर दरबार से फ्री कैंप भी लगते हैं जिहदे च फ्री मैडिसन फ्री चैकअप हर चीज़ की जाती है और गरीब औरतां गरीब बच्चों कपड़े भी दिते जाते लंगर तो फिर तुहानू पता ही है 11-12 दिन लगातार ही 24 घंटे चलता है तो मालिक के दर पर आता तो बंदा रहमत तो लेंदा ही नाल भोजन करके और लंगर का स्वाद लैके वो भी अपने पेट में भी भरपूर करके जाता और फिर 2 अक्तूबर खुशियां का दिन ये रहमत का दिन है और ये बारे तो शब्दों बोल के दसना बड़ा मुश्किल है ये बड़ा आनंद का समा आने वाला है अज पहले क्यों दस रहे हैं कि हुण तुहाडे कोल टाइम है अगर बंदे नूं पहले ही थोड़ा जिहा पता लग जाए ना तो बंदा अपनी एडजस्टमेंट छुट्टियां दी अपने टाइम की एडजस्टमेंट कर लेंदा है ताकि ये जिहड़े पल जाण वाले एडे रहमतां दे असीं समां कढ़ के आईए और रहमतां दा आनंद लै हाँ जे सानूं लगता है कि 21 तरीक तो नहीं आनंद लै सकदे तां फिर कोशिश करो कि पहली तरीक सवेरे पहुँच जाओ फिर दोपहर की रथ यात्रा का भी आनंद लो रात के सत्संग का भी आनंद लो और अगले दिन बड़े मालकां दा पवित्र जन्म दिहाड़ा दरबार से मनाया जा रहा है वह भी आनंद लेना है और जिस तरह दसिया कि उस दिन संगत वास्ते 24 घंटे लंगर तो चलते ही है गरीब औरतों गरीब बच्चों गरीब मर्दों को कपड़े भी दिते जाते या होर कई इदा के कर्म किए जाते जिद सब का भला हो और असं चाहवे जो खुशियां का दिन आ रहा तो तुम भी अपनी किरत कमाई चो अपनी हिम्मत के अनुसार योगदान जरूर दो क्योंकि जदों कोई इदा का नेक उपराला किया जाए तो जे वो असी एक पैसा भी पाते हाँ तो साढ़े घर कई बरकत वो लैके आता है क्योंकि रब के घर दित्या इंसान नूं बरकत मिलती हैं खुशियां मिलती हैं इसलिए हुम हम आके आप भी पहुँचना है आप भी आओ सजना मित्रा रिश्तेदारों भी लैके आओ क्योंकि बहुत बड़ा रहमत का दिन है इसलिए असी पहुँचना है और मालिक दी रहमत हासिल करके अपना जीवन सफल बनाना है।